हेलो गाइस कम टू बैक माय चैनल किंग जोलॉजी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के बारे में कि किस तरह से डीएनए जो है वो ट्रांसक्रिप्ट होता है तो आरएनए बनता है और आरएनए फिर किस तरह से ट्रांसलेट होता है तो एक प्रोटीन बनती है तो ये सारे के सारे प्रोसीजर आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे तो मेरी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या होता है कि डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर वहाँ से बनता है आरएनए एंड आरएनए जो है उसके बाद बनती है प्रोटीन्स तो ये जो सारा प्रोसीजर है ये किस तरह से हो रहा है ये अभी हम डिटेल में देखेंगे जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये है सेल जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किसी भी लाइफ का चाहे वो मल्टी सेलुलर है या फिर वो यूनिसेलुलर है एंड इसके अंदर मुख्तु तरह की ऑर्गेलीस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं एंड इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस को एक इन्वेल्प ने कवर किया होता है जिसको हम न्यूक्लियर इन्वेल्प कहते हैं एंड उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको न्यूक्लियर पोर कहते हैं अगर उसके अंदर एंटर होकर देखें तो वहाँ पर न्यूक्लियर मटीरियल प्रेजेंट होता है जो क्रोमेटन के फॉर्म में होगा या फिर क्रोमोजोम के फार्म में होगा अगर हम एक क्रोमोजोम को ओपन करें तो वहाँ से हमें मिलती हैं स्टोन प्रोटीन्स एंड डी एन ए तो आपको ये डी जो है ये नज़र आ रहा है जो कि डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है एंड डी का जो पार्ट है ठीक है उसी को हम कहते हैं जीन और जीन जो होती है जब इसकी डेफिनेशन की जाती है तो हम यही कहते हैं कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ डी और जब होनी होती है ट्रांसक्रिप्शन तो एक इंजाइम आता है ये भी जो आपको नज़र आ रहा है ये इन्ज़ाइम है जिसको हम कहते हैं आर एन क्योंकि यहाँ पर होनी है ट्रांसक्रिप्शन तो वो क्या होता है उसको पता होता है कि कौन सी साइड पे जाके लग रहे हैं तो वो उसी डीएनए की साइड पे जाके लग जाता है एंड वहाँ पे बेसिस जो होती हैं वो ऐड होना स्टार्ट हो जाती हैं स्ट्रैंड ओपन हो जाता है और मैसेंजर आर जो है वो बनना शुरू हो जाता है और यहाँ पर जो है बेसिस उनकी पेयरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है एंड साइड से मैसेंजर आर एन के वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है ये देखेंगे जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है तो ये क्या है ये मैसेंजर आर एन ए है ठीक है एंड मैसेंजर आर एन ए जो होता है इसके अंदर और भी ज़्यादा मोडिफ़िकेशन्स जो हैं वो की जाएंगी यहाँ पर दो चीज़ें आ जाएंगी एक होगा इंट्रोन एक होंगे एक्जोन तो क्या किया जाएगा जो इंट्रोन होंगे उनको रिमूव कर दिया जाएगा क्योंकि वो यूज़लेस हैं और जो एक्ज़ोन हैं उनको आपस में जोड़ दिया जाएगा एंड उसके बाद इसने ट्रैवल करके आना होता है न्यूक्लियस के बाहर तो इसके साथ एक कैप लगेगी एंड साथ में एक टेल लगेगी लेकिन अगर ये प्रो क्रियोट के अंदर है तो जिस तरह स्क्रीन पे है बिल्कुल ऐसे ही ये सिंपल होगा ठीक है इसके ऊपर टेल या इस तरह से कोई चीज़ नहीं होगी दैन जब ये सर्ट के अंदर आ जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा राइबो जो होंगे उसका स्मॉलर यूनिट एंड उसका लॉन्गर यूनिट दोनों के दोनों उसके साथ आके अटैच हो जाएंगे एंड यहाँ पे आएगा ट्रांसफर आर एन ए ट्रांसफर आर एन ए जो होता है इसके ऊपर एमान्यो एसड एक लगा होता है इसकी बाइंडिंग साइड की तरफ एंड ये क्या करेगा ये कोड को रीड करेगा जो कि मैसेंजर आ के ऊपर ऑलरेडी लगे हुए हैं रेवोसोम के ऊपर थ्री साइड्स बनती हैं पी साइड जहाँ पे ये लगेगा उसके बाद ए साइड जहाँ पे इमानो इसाइल के जो बॉन्ड्स होंगे वो बनेंगे और ई साइड जहाँ से ये दोबारा इमिट हो जाएंगे ठीक है तो ये यहाँ पे आप कोड्स को रीड कर रहा है एंड इसके साथ ही क्या हो रहा है कि इमानो एसिड्स जो हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं बॉन्डिंग कर रहे हैं ठीक है वहाँ पर उनके बॉन्ड्स बन रहे हैं और एक पूरी की पूरी चेन बन रही है और ये काम तब तक चलता रहेगा जब तक कि स्टॉप को डाउन नहीं आएगा जब स्टॉप को डाउन आएगा तो ये जो चेन है ये यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ से रिलीज़ हो जाएगी और उसके बाद इसी के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स चेंज आएगा इसकी कुछ बॉन्डिंग में कुछ आयंस में चेंजेस होंगे और उसके बाद ये क्या बन जाएगी एक प्रॉपर प्रोटीन बन जाएगी इस प्रोटीन को या तो सेल के बाहर भेजा जाएगा या फिर सेल के अंदर ही इसको यूज़ कर लिया जाएगा तो इसका एक दफ़ा रिव्यू लेते हैं तो सबसे पहले है न्यूक्लियस न्यूक्लियस में आ जाता है डी एन ए डी एन ए जो है उसमें से क्या बनेगा आर एन ए बनेगा उसको हम सारे को कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन उसमें इंट्रॉन एक्सॉन्स होंगे इंट्रॉन को रिमूव किया जाएगा एक्सॉन्स को कलेक्ट किया जाएगा एंड उसके बाद मैसेंजर आर एन ए रेडी रे हो जाएगा मैसेंजर आर एन ए को साइटोप्लाज्म में भेजने से पहले इसके साथ एक टेल लगाई जाएगी एंड साथ में इसके साथ जो है एक कैप लगाई जाएगी और देन ये साइटोप्लाज्म में भेजा जाएगा और फिर वहाँ पे राइबोसोम्स के ऊपर इसकी होगी ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेशन से क्या होगा वो प्रोटीन्स बनेगी एंड उन्हीं प्रोटीन्स को फिर सेल के बाहर भी भेजा भी सकता है और सेल के अंदर भी उनको यूज़ किया जा सकता है दोनों वे हैं तो इस तरह से जो है एक प्रोटीन बनती है इसी को हम कहते हैं ये पूरा प्रोसीजर क्या है ये ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन का ओवरऑल प्रोसीजर है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग